असला माई यूट्यूब गायस कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे खैरियत से होंगे मजे में होंगे वेलकम बैक टू माई चैनल जूने किचन एंड ब्लॉग जी गायस आज मैं अनबॉक्सिंग करने लगी हूँ डॉलन्स का इलेक्ट्रिक ओवन या बेकिंग ओवन मैं समझती हूँ कि आजकल के दौर में हर किसी के घर में एक इलेक्ट्रिक या बेकिंग ओवन जो भी आप इसको कहना चाहो कह सकते हो जरूर होना चाहिए क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है बाहर से हम पिज्जा ऑर्डर करते हैं केक्स ऑर्डर करते हैं डोनट्स हो गए पेस्ट्रीज हो गई तो ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है कि आजकल हम लोगों के ये बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है तो बेहतर है कि आप इलेक्ट्रिक ओवन घर पे ले लें और अपने हाइजीनिक तरीके से घर पे बनाए और बहुत ही कम बजट में अपने पॉइंट की तरफ वापस आते हैं और मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि ये मैंने ओवन लिया है बेकिंग ओवन डोलन का इलेक्ट्रिक ओवन है अच्छा इसकी कैपेसिटी है फोर्टी लीटर इसमें दो साइजेस आते हैं ट्वेंटी लीटर एंड फोर्टी लीटर ट्वेंटी लीटर होता है वो उसका जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है मतलब एक से दो पर्सन के लिए काफ़ी है लेकिन जो 42 लीटर वाला आप लेते हैं वो पाँच से छः मेंबर्स के लिए फैमिली मेंबर्स के लिए काफ़ी जिसमें एक एक वक्त में आप जो ना दो पिज़्ज़ा आराम से बेक कर सकते हैं इस ओवन को मैं तकरीबन तो तीन से चार महीने पहले से यूज़ कर रही हूँ लेकिन इसकी अनबॉक्सिंग मैंने कर दी थी पहले और अभी जो है ना मैं से काफ़ी एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा इसके साथ तो मैंने सोचा कि उन्हें आपके साथ इसका रिव्यू किया जाए इसकी अनबॉक्सिंग की जाए और इसको चलें जी ओपन करते हैं और इसके जो बॉडी है वो है ब्लैक एंड ग्रे ये बाहर से कुछ इस तरह का लगता है और इसे कुछ टूल्स हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ ट्रेज़ वगैरह हैं कुछ टूल्स हैं तो इसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पहले हम चलते हैं उसका रैपर मूव करते इसके हैं इसके काम के साथ साथ इसके जो आउटर बॉडी है वो भी बहुत अट्रैक्टिव है ब्लैक एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन या सिल्वर का कॉम्बिनेशन रखा गया है और इसके यहाँ पर राइट साइड पर तीन नोब्स हैं थ्री नोब्स हैं जिसमें फ़र्स्ट पर आता है टाइमर टाइमर जी आपका स्टार्ट होता है टेन मिनट से सिक्सटी मिनट यानी वन आवर तक टाइमर के साथ ही जी हमारे पास ये लाइट इंडिकेटर है इसके साथ ही फिर ऊपर जाएं तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर आता है टेम्परेचर लो से आप हाई पे कर सकते हैं आपकी अपनी मर्जी आपकी बेकिंग पे डिपेंड करता है कि आप क्या बेक कर रहे हो आपने क्या टेम्परेचर रखना है जी फंक्शन नॉब आ जाता है जिसपे हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमने कौन सा रॉड्स ऑन कर लें ऊपर वाले नीचे वाले या एक वक्त में ही दोनों ऑन करने हैं विद फैन ठीक है जी अब इसके चलते हैं अंदर से चेक करते हैं कैसे इसका स्ट्रक्चर है जी इस तरह से इसका डोर खुलता है और ये इसके अंदर एक वारंटी कार्ड मुझे नजर आ रहा है एक इसका वारंटी कार्ड है वारंटी इसकी दो साल की है दो साल में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती तो कंपनी इसको चेक कर देती है या इसको ठीक कर देती है ठीक है जी इसका ये वारंटी कार्ड हम साइड पर रखते हैं जो कि हमने संभाल के रखना है और ये दूसरी कॉपी है ये इसके फंक्शंस के बारे में है और अगर आप पढ़ना चाहें तो बल्कि मैं तो कहती हूँ हर रेसिपी के साथ ये फंक्शंस पढ़ने चाहिए ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ की नॉलेज हो जाए ठीक है जी जी इसके साथ जो रेसिपी की बुक भी दी गई है और इसमें हर चीज़ मेंशन की गई है कि कौन सी फूड आइटम के लिए कौन सी रेसिपी के लिए कौ, कौन सा टेम्परेचर हमें चाहिए होगा क्योंकि हर रेसिपी के लिए हमें डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए होता है और हमने ऊपर वाला रॉड इस्तेमाल करना है या हमने नीचे वाला रॉड या हमने दोनों रॉड इस्तेमाल करने हैं विथ फैन जी ये इसके दो नीचे वाले रॉड हैं ये देख लें ये दो नीचे वाले रॉड हो गए इसके और ये उसके दो ऊपर वाले रॉड हो गए और इस ओवन की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें ये फ़ैन लगे हुए हैं जो कि आपके फूड को इवनली कुक करते हैं हवा जो है अंदर सर्कुलेट होती है और ये इसकी नॉब्स हैं जो कि ग्रिल नॉब्स हैं मैं आपको यहाँ पर ग्रिलिंग भी लगा के बताती हूँ कि वो कैसे हैं इसमें अंदर लाइट भी दी हुई है ताकि ड्यूरिंग कुकिंग जो है ना आपको फूड आइटम अपने से ही प्रॉपर नज़र आ रहे हो तो ये हर लिहाज से मुझे बहुत ही अच्छा लगा था क्योंकि कुछ जो है ना नोवन्स ऐसे होते हैं जिसमें फैंस का जो है ना फंक्शन नहीं होता तो बेकिंग के लिए जो है न फ़ैन जो होता है ना उसका फंक्शन लाजमी होना चाहिए ताकि हमारा फूड अच्छे से इवनली बेक हो जाए और उसमें कलर भी बहुत अच्छा आ जाए जी चलते हैं जी ओवन के कुछ टूल्स की तरफ सबसे पहले ये है ट्रे दी गई है हमें ये है बेकिंग ट्रे जिसमें हम पिज़्ज़ा, केक और कुकीज़ और डिफरेंट टाइप की चीज़ें बेक कर सकते हैं और उसके बाद ये टूल्स हैं छोटे से और ये ग्रिलिंग टूल्स हैं जो कि चिकन को ग्रिप करने के लिए कोई भी आप अगर कोई चीज़ ग्रिल करें उसको ग्रिप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं यह है जिसकी मेन ट्रे जो कि सबसे ज़्यादा यूज़फुल है और ये ओवन की बेस में लगाई जाती है ताकि हमारा नीचे से ओवन गंदा ना हो और इसके साथ ये भी हमें कूलिंग रैक दिया गया है ताकि हम कोई भी चीज़ बेक कर लें बना लें तो उसके ऊपर हम इजीली रख के इसको ठंडा कर सकते हैं ये जो ट्रे है ये इस तरह बेस में इसकी ये वाली ट्रे आ जाती है बहुत इजीली फ़िक्स हो जाती है इसके बाद जी कूलिंग रैक फिक्स करते हैं एक वक्त में हम इसमें दो ट्रे आराम से रख सकते हैं इसमें हम बेकिंग की ट्रे भी रख सकते हैं और उसको हम ओवन से रख के इसको एज अ कूलिंग रैक भी यूज़ कर सकते हैं ये है जी ग्रिलिंग रॉड जो कि इस तरीके से फिक्स होता है और ये इसके छोटे से टूल्स हैं जो कि कॉर्नर पर फिक्स होते हैं और जो फूड हम बेक कर रहे होते हैं या कुक कर रहे होते हैं तो उसको ग्रिप करता है ये है जी ट्रे पुलर और एक जो कि हम बेकिंग कर रहे होते हैं तो ट्रे बहुत गर्म हो जाती है तो ये या तो हम ट्रे को पकड़ने के लिए कोई थिक कपड़ा यूज करेंगे या फिर हम इस टूल का यूज करेंगे ताकि हम अपनी ट्रे को इजीली अंदर या बाहर कर सकें आई होप कि आपके लिए ये वाली वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ठीक है जी इनशाला दोबारा मुलाकात होगी आपसे किसी रेसिपी में किसी व्लाग में किसी रिव्यू में मुझे दो में याद अपना बहुत ख्याल रखेगा ओके जी टेक अल्लाह हाँ बाय बाय